नमस्कार दोस्तों, डीएस गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। अक्सर करंट अफेयर्स हर मुख्य एग्जाम में पूछा जाता है और आजकल जीके के रूप में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम आपको डीएस गुरुजी यूट्यूब चैनल पर बहुत सी करंट अफेयर्स और बहुत सी नई नई लेटेस्ट जानकारी लगातार देते रहते हैं। इसी श्रेणी में जानते हैं 15 मार्च 2018 का करंट अफेयर्स। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री हेले मेरियम देसालेगन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हेले मेरियम ने लंबे समय से हो रहे सरकारी विरोध प्रदर्शनों के चलते अपना इस्तीफा दे दिया। पिछले साल वो राष्ट्रव्यापी आपातकाल के कारण भी इस्तीफा दिया था। हाल ही में भारत के ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर अरविंद पी जमखड़ेकर को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जमखड़ेकर पुणे के डेक्कन कॉलेज के चांसलर पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों, इस प्रकार जैसे भी कोई भी नई नियुक्ति है, एक नया पोस्टिंग है या नई योजना है या किसी की मृत्यु है किसी, तो ये घटनाएं मुख्य रूप से जीके के रूप में पहुँची जाती है। और जब कभी भी कोई भी ऐसी घटना हो, जैसे कि अभी पिछले दिनों स्टीवन हॉकिंस का देहांत हो गया, तो इसके बारे में आपको बहुत सी जानकारी कलेक्ट करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों से हमेशा कनेक्टेड रहें और इस प्रकार की जानकारी से जुड़े रहें। जानते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आइकॉनिक टूरिज्म साइट के रूप में भारत के कितने पर्यटक स्थलों को चयनित किया गया है? दोस्तों, आइकॉनिक टूरिस्ट जो साइट वो होती है जो कि विश्व विख्यात धरोहर के रूप में प्रसिद्ध होती है और वहाँ पर टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है, जो कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग आना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और हर देश का व्यक्ति वहाँ घूमना चाहता हो, उनको आइकॉनिक टूरिस्ट साइटों में जोड़ा जाता है। तो इसमें भी भारत के 10 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। इन्हें चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण से बुनियादी ढांचे के विकास और प्रौद्योगिकी चेतना में निजी निवेश, ब्रांडिंग और वाणिज्य को आकर्षित करना है। ये जो आइकॉनिक टूरिस्ट साइट होती है, इनका मुख्य उद्देश्य देश में विदेशी लोगों को आकर्षित करना और इनको यहाँ पर व्यापार के लिए या किसी भी दृष्टि से अपने देश में बुलाना और अपने देश के प्रति महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनको देने का उद्देश्य होता है, और इसीलिए इनको आइकॉनिक टूरिस्ट साइट के रूप में चयनित किया जाता है। जानते हैं आगे, आरोराह किसे कहते हैं? पृथ्वी के दोनों ध्रुव अर्थात दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव में असमान हरे और लाल रंग की मिश्रण से उत्पन्न होने वाले प्रकाश को आरोराह कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है, पृथ्वी के दोनों छोर है ना, जो भी छोर होता है उसे आप जानते हैं ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर टिंडल प्रभाव के कारण, यह आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक लाल और हरे रंग की रोशनी उत्पन्न होती है। यह रोशनी बहुत ही चमकदार होती है और इसी रोशनी को आरोराह कहते हैं। तो दोस्तों, यह खोज अभी तुरंत ही हुई है, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। स्वामी रामस्वरूप कौन थे? स्वामी रामस्वरूप विश्व प्रसिद्ध रास रचयिता रासाचार्य थे। उन्होंने विश्व भर में लीलाओं का प्रदर्शन कर बहुत सारे लोगों को भक्ति रस का दर्शन करवाया है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में इनका निधन हो गया था और इसी कारण से हमने यह क्वेश्चन इस करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर में सम्मिलित किया है। हाल ही में रॉटरडम टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? रॉटरडम टेनिस टूर्नामेंट का खिताब स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने जीता है। दोस्तों, रोजर फेडरर ने बहुत से खिताब जीते हैं और रोजर फेडरर टेनिस इतिहास के बहुत महान खिलाड़ी हैं और वह अभी भी कार्यरत रूप से खेल रहे हैं। रोजर फेडरर और नडाल ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हर टेनिस सीरीज में इनका नाम आता है और हर टेनिस सीरीज में ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय केला फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय केला फेस्टिवल केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। यह फेस्टिवल केले की बढ़ती मांग को पूर्ति करने के लिए जंगली केले की प्रजाति को बचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। भारत विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है।
दोस्तों, ये चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि भारत किस किस में प्रथम है और भारत में कौन कौन सी चीज़ें नहीं पाई जाती या पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर हर किसी क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के दिमाग में होते हैं और वह इन क्वेश्चनों को उस पेपर में डालते हैं। औरंगजेब ने जिंजी के किले पर कब्जा कब किया था? औरंगजेब ने जिंजी के किले पर कब्जा 17 फरवरी 1698 में किया था। औरंगजेब ने 8 साल की घेराबंदी के बाद जिंजी के किले पर कब्जा किया था। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा कड़ा संघर्ष था और इसके बाद औरंगजेब ने जिंजी के किले पर कब्जा पाया था। उन्होंने 8 साल तक लगातार लड़ाइयाँ की और उसके बाद उनको यह जिंजी के किले पर कब्जा प्राप्त हुआ और वहाँ से ही भारत में औरंगजेब के शासन की शुरुआत हुई थी। रुडाऊ का युद्ध कब? रुडाऊ का युद्ध 17 फरवरी 1370 में हुआ था। यह इस युद्ध में जर्मनी के ने लिथुआनिया को बुरी तरह से परास्त किया था। भारत में विमान से डाक पहुंचाने का कार्य कब शुरू हुआ था? भारत में विमान से डाक पहुंचाने का कार्य 18 फरवरी 1911 में शुरू किया गया था। एयरमेल की पहली अधिकारी उड़ान इलाहाबाद से हुई थी। 10 किमी की इस उड़ान में 6500 पत्र नैनी ले जाए गए थे। धन्यवाद दोस्तों, आज का करंट अफेयर इस प्रकार था और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके दोस्तों को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है और वो भी अपने करियर को सुगम और सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।